बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो व्यूअर, जो हमारे बहन भाई देश परदेश में, अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे, उनकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर करे। अल्लाह पाक हर सब मुसलमानों को अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। तो व्यूअर, आज इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। तो हमने ये सोचा कि खाना वगैरह बनाने से पहले पौधों को और घास को पानी लगा देते हैं। तो घास को मैंने पानी लगा दिया है, अभी माशाल्लाह से सब्ज़ हो रहा है। तो पौधे भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह अभी सही है। तो अभी जो आज का व्लॉग ये है, जो आज हम खाना बना रहे हैं, खाने में बनाएंगे बैंगन और गोश्त। तो चलते हैं सामान की तरफ, सामान बनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो आप मेरे चेहरे पर पसीना भी देख सकते हैं। गर्दिश का मौसम बना हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे आंधी आने वाली, हवा का नाम बिल्कुल नहीं है। हवा के पत्ते भी आप देख सकते हैं नहीं हिल रहे, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी खाने का काम जो, अजान भी हो रही है, तो अभी खाने का काम जो है वो जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि फिर लेट ना हो जाए, इसलिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यार, आज ना आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि व्लॉग जो है वो इतनी मुश्किल से बनाती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको संभालना पड़ता है, वो एक एक चीज ऐसे फेंक देते हैं उठा के, उन्हें एक साइड पे करना, इतनी मुश्किल से व्लॉग बनाते हैं। आगे से आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, वीडियो को वॉच भी नहीं करते, मेहरबानी क्या करें, हमारी वीडियो भी वॉच कर दिया करें। तो हम तो यही, हमारी यही कोशिश होती है कि हमारी, हमारे व्लॉग में कोई ऐसा वो इशू ना आए, कि हमारा व्लॉग हम अपने तरीके से बिल्कुल सही बनाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आता तो आप लोग हमें बता दिया करें, तो हमारी वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें। तो अभी हम बना रहे हैं खाने में बैंगन और गोश्त। तो सबसे पहले ना बैंगन की छिलाई कर लेते हैं। तो आप ही को भी बुलाया है कि साथ में लेट ना हो जाए, जल्दी जल्दी साथ मिलकर बना लें। तो अभी आप ही जो है वो लहसुन की छिलाई कर रही है, तो मैं बैंगन की। तो वह सुबह ना सफाई की थी, सफाई करके नाश्ता बनाया था। फिर आपको पता है हमारा सैन जो है सारा कच्चा है, तो जहाँ का अंदर भी ऐसे मट्टी हो जाती है, बाहर भी ऐसे ही है। अभी सुबह सफाई की थी, अभी आप देख सकते हैं फिर सारी मट्टी है। फिर मैंने सोचा पहले सफाई करके ना फिर खाना बनाते हैं। अवैस जो है ये मुझे इतना ज्यादा तंग करते हैं, उनको है ना वो कुछ भी नहीं कहती, वो अपनी आराम से ना खेलने में मसरूफ रहती है। ये है ना, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, जहाँ मैंने अभी मैंने इसको नहलाया है। अभी देखो इसको ना, हमारी बात की समझ आ रही है। अभी मैंने इसको नहलाया है, मैंने इसको कपड़े पहनाए, मैंने कहा चले ये एक साइड पे होके ना ये खेलेगा, लेकिन नहीं, जब भी मेरी आवाज़ सुनता है ये मुझे देखते फौरन आ जाता है मेरे पीछे। लेकिन ये नहीं है कि आराम से साथ आके बैठ जाए, नहीं, इसने बैठना नहीं है, इसने अपनी हरकतें शुरू कर ली है लड़कों वाली। अब ये आ गया है चूल्हे पे, बर्तन की एक की बर्तन की भी खैर नहीं है, ये सारे बर्तन उठा के ना बाहर फेंकेगा। तो इसलिए मैं आप ही को कह रही हूँ कि आप खाना बना लें, तो बाकी जो काम है वो मैं कर लूंगी।
सामान जो था सारा मैंने रेडी करके दे दिया आप ही को। आग भी जल गई, अब आप ही जो है वो खाना बनाएगी, तो बर्तन अभी पड़े हैं धोने के लिए। वैसे भी खेल रहा है तो उनका मैं जल्दी जल्दी ना बाकी का काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। फ्रिज का पानी भी भरना है तो बर्तन भी धोने, मैं जा रही हूँ फ्रिज का पानी और बर्तन धोने के लिए। तो अब आप ही जो है वो खाना बनाती है। ये देखें, ये अभी मैं सारे बर्तन धो के ना भी आई, अभी इसको सेट करूँगी। ये तीन टाइम ना इतने बर्तन होते हैं, सुबह धोए, फिर दोपहर को धोए, फिर शाम को धोए, फिर शाम को जब फिर सुबह उठते हैं, जब शाम का खाना खाते हैं वो भी धो के रखते हैं, फिर सुबह जब उठते हैं फिर कोई किधर बर्तन पड़ा होता है, कोई किधर पड़ा होता है, बच्चे जो हैं घर में तो पूरे शहर में बर्तन भी फेरता है। वैसे देखा
खाना बनाने के दौरान ना बिजली चली गई थी, इसलिए आपको नहीं दिखा सके। जैसे खाना उतारा है, रोटियां बना रहे थे, तो अभी आई है बिजली, तो अभी खाना देते हैं बच्चों को। और ये ऐशा और मैं दोनों बहनों को खाऊं साथ में, ज़फ़ा भी खाओ, खाओ हाँ खाओ, जल्दी जल्दी खा के बताओ कैसी बनी है। हाँ हाँ, बच्चों के लिए खाना भी बना लिया, दूध भी बना लिया। खाना जो है माशाल्लाह बड़ा मज़े का बना है, तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारे से कमेंट्स कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक प्यारी सी नई वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। Bye bye. Bye bye. Bye bye.